मुझे लगता है कि आप में से कई लोगों को आरएनए का ए कांसेप्ट क्लियर नहीं है क्योंकि स्कूल में बहुत ही कम ऐसे टीचर हैं जो आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सके स्कूल एक व्यवसाय की तरह है ना कि आपको एजुकेट करने के लिए लेकिन कोई बात नहीं आज आपको हम आरएनए के बारे में एक साधारण सा ओवरव्यू तो दे ही देंगे जिससे आपको इसको समझने में कभी दिक्कत नहीं होगी देखिये आर का निर्माण डी के ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के थ्रू होता है ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता क्या है पहले हमें ये जानना पड़ेगा देखिये हमारे सेल के

और डीएनए के ऊपर ये एंजाइम मूव करने लगते हैं जैसे ही ये आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के ऊपर आया ये डीएनए को अनवाइंड करके डीएनए के फ्री बेसिस को रीड करते हुए आरएनए का निर्माण करना शुरू कर देता है डीएनए के ऊपर जो मौजूद कोड होता है वही निश्चित करता है की निर्मित होने वाले आर के ऊपर जो नाइट्रोजनस बेस के ऑर्डर होंगे वो किस ऑर्डर में अरेन्ज होंगे बस अंतर इतना है कि की आर में थमीन की जगह यूरेसिल नाम का नाइट्रोजनस बेस होता है और बाकी के एडीन गुआनिन साइटोसिन सेम वैसे ही रहते हैं जैसे डीएनए में होता है देखिए इस प्रोसेस को जिसमें डीएनए के थ्रू आरएनए का निर्माण हो रहा है इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं इससे पहले कि निर्मित हुआ आरएनए न्यूक्लियस से बाहर निकले अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए उसके ऊपर कुछ प्रोसेस होते हैं कुछ व्यर्थ के पोर्शन जो आर में बन गए हैं उन्हें कट करके दोबारा ऐसी आर को जोड़ा जाता है और फिर अब प्रोसेस हुआ आर न्यूक्लियस ऐसी बाहर निकल पाता है देखिये आर में केवल एक स्ट्रैंड होता है वैसे नहीं जैसे डीएनए में दो स्ट्रैंड होता है ये स्ट्रैंड भी फॉस्फेट शुगर के मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है है और इसके ऊपर नाइट्रोजनस बेस के मॉलिक्यूल एड रहते हैं और अब आते हैं मेन बात पर डीएनए से बना एन कितने प्रकार का होता है और अलग अलग आर का हमारे शरीर के अंदर फंक्शन क्या क्या है ये भी तो हमें जानना जरूरी है देखिये सबसे पहले आपको ये बता दें कि हमारे सेल में मौजूद आर तीन प्रकार का होता है ये तीन प्रकार का आर है मैसेजर आर जिसे एम आर एन नाम से भी जानते हैं ट्रांसफर आर जिसे टी आर के नाम से भी जानते हैं और राइबोसोमल आरएनए जिसे के नाम से भी जानते हैं देखिए मैसेंजर आरएनए ये न्यूक्लियस के अंदर ही मौजूद डीएनए के एक स्पेशल सीक्वेंस से बनता है जो कि डीएनए पर एक स्पेशल जीन है डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के बाद इसका प्रोसेसिंग होता है और प्रोसेसिंग के बाद ये एम न्यूक्लियस से बाहर निकलता है ठीक उसी तरह न्यूक्लियस में ही मौजूद डीएनए में मौजूद एक स्पेशल किस्म का जीन सिक्वेंसिंग होता है जो की ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस ऐसी ट्रांसफर आर का निर्माण करता है टी आर एन ए और ये टी आर एन ए अन्य आर एन स्ट्रक्चर में बहुत अलग होता है इनमें प्रोसेस के बाद इनका स्ट्रक्चर पूरी तरीके से बदल जाता है और ये भी साइटोप्लाज्म में आकर फंक्शन करते हैं उसी तरह सेल के के न्यूक्लियस अंदर एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं इसमें भी डीएनए जो की क्रोमेटीन के रूप में न्यूक्लियस के अंदर रहता है इस न्यूक्लियस के अंदर ही बहुत ही डेंस क्रोमेटीन का एक नेटवर्क बना लेता है जिसे न्यूक्लियोलस कहा जाता है इसमें पाए जाने वाला डी एन ए बहुत ही स्पेशल किस्म का होता है जिसे राइबोसोमल डीएनए कहते हैं ये डीएनए एक स्पेशल किस्म के जीन सिक्वेंसेज से बना हुआ होता है जो कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू राइबोसोमल आरएनए का निर्माण करता है यही राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन के साथ मिलकर राइबोसोम का निर्माण करते हैं जो कि प्रोटीन के निर्माण में बहुत ज्यादा आवश्यक है देखिए अब ये तीनों आर मिलकर काम कैसे करते हैं तीनों आर सिंथेसिस होकर जब न्यूक्लियस से बाहर निकलते हैं तो होता यह है की सबसे पहले राइबोसोम जो की राइबोसोमल आर से मिलकर बना हुआ है वो मैसेजर आर के ऊपर अटैच हो जाता है और फिर ट्रांसफर आर जो भोजन के थ्रू हमने अमीनो एसिड लिया था प्रोटीन के छोटे छोटे मोनोमर्स अपने ऊपर अटैच करके राइबोसोम और एम आर के ऊपर आकर दोनों के साथ कंबाइन होकर नीचे एम आर के कोड को रीड करता है और प्रोटीन को के अकॉर्डिंग सिंथेसिस करता है यानी अमीनो एसिड को एक निश्चित अरेंजमेंट में अरेंज करता है जैसा एम में नीचे कोडिंग हुई होती है और इस प्रकार से हमें हमारे काम का प्रोटीन मिल जाता है जैसी हमारी जेनेटिक्स होती है ठीक वैसा ही प्रोटीन हमें मिलकर हमें प्राप्त होता है मैं उम्मीद कर रहा हूँ की आपको आर का कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा कम से कम शब्दों में आप ये बात मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा